तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। शिव ने तुम्हें ब्रह्माना। ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 18/1/11। आज की तारीख से हमें क्या याद आता है? अपने प्राण प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा का जो साकार रथ है, तो साकार ब्रह्मा बाबा की याद आती है। और ब्रह्मा बाबा के लिए हम आपको क्या कहें? कहते हैं, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो ये हमारे बाप दादा की जोड़ी, वो ऐसी जोड़ी है कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों हमारे बाबा साथ साथ हैं। दोनों ने हमको मिलकर के मुरली सुनाई है और हम बच्चे मुरलियां सुनते हैं। और आज का यह पुण्य स्मृति दिवस तो हमें विशेष रूप से तपस्या की ओर आकर्षित करता है, क्योंकि आज का दिन हमारे सभी सेवा केंद्रों पर, देश तथा विदेश में, सभी तरफ सारे संगम युगी ब्राह्मण और सारा ब्राह्मण परिवार आज तपस्या कर रहा है। अमृत वेले से लेकर के मीठे मीठे शिव बाबा के साथ साथ साकार बाबा को भी बहुत ही प्यार से याद कर रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा का परिचय हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिला। शिव बाबा कौन है, क्या है, उनसे हमारे जो भी संबंध हैं, सारे संबंधों का जो रस है, संबंधों का सुख है, वो भी हमने साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा जाना, उनके द्वारा पाया और अनुभव किया। सारे विश्व का, सारे तीनों कालों का, सारी जितनी भी नॉलेज है तीनों लोकों की, आत्मा की, परमात्मा की, कर्मों की, गृह गति की, क्या क्या नहीं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर परम शिक्षक बन करके हमको कितनी शिक्षाएं दी, नॉलेज दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु इतनी मीठी मीठी शिक्षाएं दी, जितने मीठे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हैं, बिल्कुल हमें भी मीठी शिक्षाएं देकर मीठा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने का हड्डी पुरुषार्थ किया। और इस यज्ञ की स्थापना के लिए ब्रह्मा बाबा ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। तो ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री तो आप सभी कुछ जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी,
भाग के रूप में मिलती है, 1, 2, 3 पढ़ भी सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से विस्तृत रूप में जानकारी को पा भी सकते हैं। तो आज तो हम सुनेंगे 18 तारीख की ज्ञान मुरली। आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत बहुत लवली परिवार है, इसीलिए तुम्हारा आपस में बहुत बहुत लव होना चाहिए, क्योंकि हम ऊंचे ते ऊंचे, महान ते महान, सर्व को पवित्र बनाने वाले परम पवित्र देहद के आत्माओं के, जो सर्व धर्म की सर्व आत्माओं के पिता हैं और जिसने इस संसार की स्थापना की, वो एडम आदम, वो ब्रह्मा बाबा, जिसमें प्रवेश कर नई दुनिया की स्थापना का कार्य कराया, तो हम उन उस मात पिता के बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा तो मात पिता के बच्चे हैं, तो इसीलिए इतने लवली जो हमारे माता पिता हैं और हम उनकी संतान, आपस में भाई भाई हैं, तो फिर कितना आपस में प्यार होना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत लव होना चाहिए। ओम शांति। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है, कितना लव से पढ़ाते हैं, तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं, 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं, कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना ये काम बाप या टीचर का है, बाप की ही श्रीमत जिससे हम श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से हम बाबा को याद करेंगे उतना हम श्रेष्ठ बनेंगे। अब यह भी चार्ट में लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, बाबा कहते हैं कि हम श्री मत पर चलते हैं या फिर अपनी मत पर चलते हैं। श्री मत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे, तो बाबा कहते चलना किस पर है, श्री मत पर। जितनी बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतना गुप्त खुशी रहेगी और ऊंच बनेंगे। अपनी दिल से पूछना है कि हमको इतनी अपार खुशी है, बाप को हम इतना प्यार करते हैं। प्यार करना माना बाबा कहते हैं याद करना, बड़ी सहज बात, याद से ही एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेंगे। पुरुषार्थ करना होता है कि किसी की भी हमको याद न आए, एक शिव बाबा की ही याद हो, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तब प्राण तन से निकले, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यही अंतिम मंत्र अथवा वशीकरण मंत्र है जो हमें रावण पर जीत भी पहनाता है, तो रावण पर जीत पाने का भी यही मंत्र है। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहें जहां चाहें वहां मोड़ सकते हैं, तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहें, जिस आत्मा की सेवा करना चाहें, बाबा कहते हैं क्या तुम बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। कब कर सके, जब हम अपनी
प्रवृत्ति से उपराम हो जाएं और अब हमारी जो स्व की वृत्ति है उसमें स्थित होकर के कर्म करें, तब ये कर सकते हैं। जैसे सभी खजाने सुनाए, वो स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति यूज करो। समझा आप क्या करना है? आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवाज से परे सूक्ष्म साधन, संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प की शक्ति के द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? आज का वरदान है अपनी हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार के तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा और काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। स्लोगन है आज का, कर्म करते करावन हार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का पुरुषार्थ का बैलेंस ठीक रहेगा। कराने वाला करा रहा है, हम कर रहे हैं, तो करावन हार को याद रखें। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ किया जो आपके तन में शिव आए, नारी को सदा सम्मान दिया, नारी शक्ति के गुण गाए, प्यारी सद्ज्ञान सुना कर चले गए, तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए, मानव को